हेलो एवरीवन वेलकम टू टू ट्स पॉइंट आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पहले लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है वो चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स हमने लाइंस के बारे में बात कर ली कि लाइन क्या है रे क्या है लाइन सेगमेंट क्या है फिर हमने एंगल्स की भी बात की थी अलग अलग टाइप के राइट right? कि स्ट्रेट एंगल क्या है या फिर कंप्लीट एंगल क्या है सब देख लिया हमने अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि लाइन्स के कॉम्बिनेशन से कुछ अलग अलग पैरल लाइन्स और ट्रांसवर्सल के कॉम्बिनेशन से कैसे कैसे एंगल बनते हैं उनके नाम क्या हैं एंड उनका मतलब क्या है ठीक है तो देखिए आपको पैरल लाइन तो पता है वर्ड समझ में आता है ट्रांसवर्सल क्या है तो ट्रांसवर्सल जो है हमारा एक वो लाइन है जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को कहीं पे भी मीट करता है इंटरसेक्ट करता है जैसे हमारी इस फिगर में हमारे पास दो लाइन है एम एंड एन अब ये एम एंड एन तो आपस में अपने आप में एक लाइन है एक लाइन है आपकी एल तो जो लाइन एल है इन दोनों लाइंस को एम को और एन को दो अलग अलग पॉइंट्स पे मीट कर रहा है यानी इंटरसेक्ट कर रहा है तो एल जो है हमारा वो एम एंड एन के लिए ट्रांसवर्सल होगा तो यहां पर आपको देखिए एम एंड एन एल इन तीन लाइनों के इंटरसेक्शन की वजह से बहुत सारे एंगल्स दिख रहे होंगे जिनके नेमिंग भी की हुई हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो ये अलग अलग एंगल्स के नाम होते हैं इनके पेयर्स के नाम होते हैं वही हम यहां समझने वाले हैं अभी तो हम नॉर्मल देखेंगे फिर हम देखेंगे पैरल लाइन के साथ ट्रांसवर्सल का जब इंटरसेक्शन होता है तो एंगल्स के प्रॉपर्टी क्या होती हैं उनके नाम वगैरह ठीक है तो देखिए यहां पर नाम समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो नाम आएगा वो है कॉरस्पोंडिंग एंगल्स कॉरस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा वो एंगल्स होंगे जो ट्रांसवर्सल के एक तरफ किसी भी एक साइड करता है। देखिए मान लीजिए ये हमारा ट्रांसवर्सल है जैसे तो एक तो साइड ये हो गई इसकी एक साइड ये हो गई दो साइड है लेफ्ट में और राइट में तो अब मैंने आपको बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम साइड पे लाई करेंगे तो ये मान लीजिए अभी राइट साइड को भूल जाइए लेफ्ट साइड में देखिए एक आपका एंगल वन है एंड एंगल फाइव है तो ये दोनों एंगल सेम साइड पे लाई कर रहे हैं ये दोनों आपस में कॉरस्पोंडिंग एंगल्स है ऐसे ही टू एंड सिक्स है क्योंकि ये दोनों एंगल ये टू, ये रहा आपका सिक्स ये दोनों एंगल आपके सेम साइड पे लाई कर रहे हैं सेम इसी तरह फोर एंड एट भी कॉरस्पोंडिंग एंगल्स हैं एंड थ्री एंड सेवन भी कॉरस्पोंडिंग एंगल है क्योंकि ये ये सारे पेयर आपस में एक ही साइड लाए कर रहे हैं वन एंड फाइव टू एंड सिक्स फोर एंड एट एंड थ्री एंड सेवन तो ये हो गए कॉरपॉन्डिंग एंगल्स ठीक है अब एक टर्म हमें पता चल गई फिर हमें मिलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर क्यों कहा और अल्टरनेट क्यों कहा, मैं समझाता देखिए जब आपकी दोनों लाइंस हैं, एम एंड एन और ट्रांसवर्सल है अब इसमें ये वाला पोर्शन कंसिडर कीजिए ये वाला मैं कोई फिगर नहीं बना रहा मैं आपको सिर्फ एक पोर्शन दे रहा हूं किस पोर्शन के अंदर वाली जो चीज होगी वो इंटीरियर कहलाएगा उसके अंदर का मतलब इन दोनों लाइंस के अंदर के एंगल्स क्या हो गए 4, 3, 5 6. ये अंदर के एंगल हो गए इसीलिए इनको कहेंगे इंटीरियर एंगल्स इस पोर्शन से बाहर लाई करने वाले ये बाहरी एंगल हो गए इनको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल ठीक है अब देखिए यहां पर हमें कहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो एंगल होंगे जो मतलब आपके अलग अलग ओपोजिट साइड में लाई करेंगे बट होंगे अंदर की तरफ अल्टरनेट साइड पे लाई करेंगे मतलब एक एंगल इधर लाई करेगा तो एक एंगल ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ लाई करेगा पर होने वो चाहिए दोनों इंटीरियर अंदर की तरफ तो इसीलिए यहां पे आपको दो ही पेयर मिलते हैं फोर एंड सिक्स देखिए ये दोनों अल्टरनेट हैं क्यों क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल के एक इस साइड है और एक इस साइड है राइट right? एंड दोनों इंटीरियर है क्योंकि दोनों अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं तो फोर एंड सिक्स जो हमारा पेयर होगा वो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर सेम केस एंड के के लिए ये दोनों पेयर भी एंगल मतलब ट्रांसवर्सल के राइट uh, right में लाई कर रहा है फाइव ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में लाई कर रहा है तो अल्टरनेट साइड पे लाई कर रहे हैं एंड दोनों ही अंदर है ट्रांसवर्सल और लाइन का जो हमारा कॉम्बिनेशन है उनके अंदर की तरफ है इंटीरियर में है इसलिए ये दोनों पेयर भी मतलब ये वाला पेयर भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो यहां पे हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो ही पेयर मिलेंगे लेंगे फोर एंड सिक्स थ्री एंड फाइव ठीक तो जैसे इंटीरियर एंगल्स हैं वैसे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स भी हैं अब ये सारे अंदर की तरफ लाई कर रहे थे तो इंटीरियर तो एंगल तो जो बाहर की तरफ लाई कर रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल एंड फिर बात वही आ गई यहां पर भी वर्ड जुड़ गया अल्टरनेट अल्टरनेट में वही केस कि ट्रांसवर्सल के एक तो लेफ्ट में लाई करेगा और एक राइट right में अब ये पेयर कैसे कैसे हो सकते हैं देखिए एक्सटीरियर एंगल चार ही है लूंगा तो ये तो दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं तो ये तो अल्टरनेट नहीं हुआ तो पेयर क्या बना फिर वन एंड सेवन का ठीक एंड दूसरा पेयर क्या बना टू एंड एट का वही बात है अगेन अल्टरनेट इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग तरफ लाई करने चाहिए ट्रांसवर्सल के दोनों साइड पे एंड जो उसके इंटीरियर एक्सटीरियर इसलिए क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल और लाइन के कॉम्बिनेशन के बाहर की तरफ लाई कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि अल्टरनेट क्यों यूज कर रहे हैं इंटीरियर या एक्सटीरियर वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं ठीक अब देखिए हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल अब देखिए इंटीरियर एंगल वैसे तो ये चारों ही हैं फोर थ्री सिक्स एंड फाइव ये चारों इंटीरियर एंगल है जब ये अलग अलग साइड पे लाई कर रहे हैं तो आप इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह रहे हैं बट जब ये दोनों सेम साइड पे लाई करेंगे जैसे फोर एंड फाइव

पैलल लाइन्स वैसे आपको कंसेप्ट पता है पर एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं कि दो ऐसी लाइन्स जो सीधी भाषा में कहूँ तो कभी मीट नहीं करेंगी मतलब कि अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो ये दोनों लाइन इंफिनिटली लंबी हो सकती हैं बहुत दूर तक जा सकती हैं बट ये दोनों कभी आपस में टच नहीं करेंगी क्यों क्योंकि इनका जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमेशा सेम होगा हर पॉइंट पे यहाँ पे अगर ये ए है तो यहाँ पे भी ये ए है यहाँ पे भी ये ए है इसको आप और आगे बढ़ाएंगे वहां पे भी अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे वहां पे भी ये सेम रहेगा अगर ए ले रहे हैं तो ए होगा तो इसका मतलब है कि पैरल लाइंस वो लाइंस है जो कभी मीट नहीं करेंगे उनके बीच में आपस में दूरी सेम रहेगी ठीक अब इन पैरल लाइन का और ट्रांसवर्सल का कुछ कॉम्बिनेशन अगर बनेगा तो उनसे बनने वाले एंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं। नेम वही रहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल वर्टिकल एंगल बट इनकी प्रॉपर्टीज यहां पे थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं बिकॉज यहां पे हम लाइन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं पैरल तो देखिए अब हमने जो हमारी एम और एन थी पहले वो थोड़ा आप उसमें ऐसा लग रहा था कि कन्वर्ज कर रही है कहीं पर मीट करेंगी बट यहां पे पैरल लाइन से तो ये कहीं मीट नहीं करेंगी एंड हमारा एल अगेन वही ट्रांसवर्सल है हमारा ठीक है तो एंगल्स तो वही बनेंगे आठ वन टू थ्री फोर

फोर एंड एट ये भी कॉरस्पोंडिंग एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे अब ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जब पैरल लाइन्स को ट्रांसवर्सल कट करेगी तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे टू एंड सिक्स इक्वल होंगे कॉरस्पोंडिंग एंगल है थ्री एंड सेवन का पेयर भी इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है अब ये बात हुई कि एक तरीके से कहने की कि दो पैरल लाइन्स थी एक ट्रांसवर्सल ने कट किया तो कॉरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है अब इस बात को मैं घुमा के अगर आपको कहूं कि दो लाइन है और एक आपका ट्रांसवर्सल है तो जो कॉरस्पोडिंग एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में इक्वल है तो इस बात से आप क्या मतलब निकालेंगे कि वो दोनों लाइंस पैरल है राइट मतलब आपको दोनों तरफ से बात कही जा सकती है कि पैरल लाइंस है ट्रांसवर्सल है तो कॉरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे दो लाइंस हैं एक ट्रांसवर्सल है और कॉरस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस पैरल होंगी ये कन्वर्स है इसका बात एक ही है दो अलग अलग तरीके से कही जा रही है ठीक अब देखिए हम एक थ्योरम समझ लेते हैं थ्योरम है? आपको बताया था दो लाइन और एक ट्रांसवर्सल के इनसाइड में इंटीरियर में बनने वाले एंगल्स को कहते हैं इंटीरियर एंगल्स एंड उसमें भी ट्रांसवर्सल के एक तरफ अगर एक एंगल को ले और दूसरी तरफ दूसरा तो वो हो गए अल्टरनेट यहां पे कॉम्बिनेशन हो रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात उसी की हो रही है तो यहां कह रही है कि अगर एक दो पैरल लाइन को कट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल होंगे यहां पे कॉम्बिनेशन क्या है फोर एंड सिक्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है

उनमें जो बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल है तो आप क्या कहेंगे कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है ये कन्वर्स है ये सिर्फ स्टेटमेंट जानना है आपको चीज़ें घुमा के कही जा सकते हैं पर मतलब वही है ठीक एंड ये सब आप इस बारे में समझ गए होंगे इसमें अब आप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला कॉम्बिनेशन देख लिया हमने ट्रांसवर्सल समझ लिया पैरल लाइन और ट्रांसवर्सल का कॉम्बिनेशन देख लिया उनसे बनने वाले एंगल्स के क्या क्या नाम हैं वो नाम क्यों है एंड वो इक्वल क्यों है ये भी हमने समझ लिया ओके गाइस, थैंक यू